तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखते हैं। इसमें कहता है मोमेंट ऑफ आईसीएम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एक्सिस सी एम पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। मतलब इस वाले एक्सिस पर, ये जो एक्सिस है आईसीएम, अगर इस एक्सिस पर ओमेगा से रोटेट करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम बनेगा, ठीक है, जो कि हमें पहले से रटा हुआ है एम आर स्क्वायर बाई टू, मास ऑफ द डिस्क एंड रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब ये कहते हैं कि एक अलग से एक्सिस है, अगर इस एक्सिस पर रोटेशन होता है तो ये जो एक्सिस ए बी है वो सेंटर से कितनी दूरी पे है, पैरेलल एक्सिस डिस्टेंस उसी के प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस है कुछ जो है वो टू आर बाई थ्री पर है, ठीक है, तो टू आर बाई थ्री पर ये डिस्टेंस है बेसिकली, और ये जो डिस्टेंस है बेसिकली यहाँ से तुम देखोगे तो इस ये डिस्टेंस डी है जिसकी वैल्यू दिया है, ये वाली एक्सिस है, तो इस पे अगर ओमेगा से रोटेट करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी कितना होगा वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कहते हैं रेशियो ऑफ द आई ए बी, मतलब आई ए बी निकालने के बाद आपको डिवाइड कर देना है आई सी एम से, तो जो रेशियो है वो एक्स रेशियो नाइन है, ठीक है, मतलब एक्स अपॉन नाइन है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहले आई ए बी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलो आई ए बी कैलकुलेट करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, आई ए बी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल हैं, तो आई सी एम कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई टू, और मास ऑफ द डिस्क परपेंडिकुलर दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो टू आर अपॉन थ्री का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, दोनों डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, और ये प्लस ये आ जाएगा फोर टाइम्स एम आर स्क्वायर, ये आ जाएगा नाइन, ठीक है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो नाइन और आठ, ठीक है, और ये आ जाएगा सेवनटीन एम आर स्क्वायर बाई एट्टीन। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस ए बी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब हमें क्या करना है, ए बी इक्वेशन नंबर ए बी में टू से और फर्स्ट में डिवाइड कर देना है, मतलब यह आ जाएगा 17 एम आर स्क्वायर अपॉन 18 में मैं डिवाइड कर दूं, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर और ये 2, तो एम आर स्क्वायर ये कट गया, मतलब ये आएगा 17 अपॉन 9, तो 17 अपॉन 9 अगर कंपेयर करोगे x अपॉन 9 से तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 17, तो ये जो खाली जगह है उसको मुझे भरते हुए बहुत अच्छा लगता है, तो ये आ जाएगा 17 यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।